बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमें दो कोई पैरेलल लाइंस गिवन है। ठीक है, उनकी इक्वेशंस हमें गिवन हैं और वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है कि हमने उन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। और दूसरा क्या है कि स्केच द लाइंस, और उन दोनों लाइंस को, मतलब कि हमें तो इक्वेशंस गिवन है ना, तो हमने एक्स वाई एक्सिस में या एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको स्केच भी करना है। ठीक है, आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिड वे बिटवीन दम। और हमने क्या फाइंड करना है कि उन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में बिल्कुल मिड में एक और पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, जो लाई करती है उन दोनों पैरेलल लाइंस के बिल्कुल मिड में। ठीक है, उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अच्छा, जो हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं लाइंस की, वो हम लिखते हैं। पहले पार्ट ए में है 3x-4y+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन हमें जो गिवन है 3x-4y+7 इज इक्वल टू 0। सो ये दो लाइंस हमें गिवन है, दो लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसको सबसे पहले तो हम स्केच करते हैं। ठीक है, स्केच करने का तरीका क्या होता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि एक दफ़ा पॉइंट्स निकाल लेते हैं इस लाइंस में से। ठीक है, तो उसको स्केच कर लेंगे उन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करके। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एक दफ़ा एक्स को जीरो पुट करें, वाई की वैल्यू निकाल लें, और एक दफ़ा वाई को जीरो पुट करें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे और उनको जॉइन करने से हमारे पास लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलता हूँ, फ्रॉम 1। अच्छा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x को एट x इज इक्वल टू 0, 1 है हमारे पास 3x-4y+3 इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो 3x-4y+3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0-4y+3 इज इक्वल टू 0, और साथ में फिर -4y इज इक्वल टू इस 3 को हम राइट साइड लेके जाएं तो -3, और y बराबर आ जाएगा -3/-4, मतलब के 3/4 बन गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3/4 बन गया। तो जो पॉइंट हमारे पास बना है वो क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3/4 है। तो पॉइंट बना 0,3/4। ठीक है, x की वैल्यू 0 मैंने पहले रखी और उससे जो y की वैल्यू आई है 3/4, एक पॉइंट तो ये बन गया P1, इसको कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं एट x इज इक्वल टू एट y इज इक्वल टू 0, अब हम आते हैं। ठीक है, एट y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में एट y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम पुट करते हैं 3x-4y+3 इज इक्वल टू 0। मतलब कि मैंने 4y था, y की जगह 0 पुट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं x के लिए, तो 3x-0+3 इज इक्वल टू 0, तो 3x-3, इस 3 को मैं राइट साइड पे ले गया तो +3 से -3 हो गया, x इज इक्वल टू -3/3, ये 3 यहाँ आगे डिवाइड हो गया, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1। सही, तो जब y 0 है तो x की वैल्यू -1 आई, तो हमारे पास जो पॉइंट बनता है P2, उसको नाम दे देते हैं पॉइंट 2, वो बना -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू जब हमने 0 रखी थी। सही, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे, कहाँ पर आएंगे। ठीक है, पहले पॉइंट 0,3/4, तो 3/4 को डेसिमल में देख लें क्या बनता है। 1 में x की वैल्यू 0 है, y वैल्यू 3/4 होता है 0
0.75 प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक्स वैल्यू है और वाई की वैल्यू वन के करीब करीब आएगी, मतलब कि ये पॉइंट वन था, ठीक है, 3/4। अच्छा ये हो गया पी वन। अच्छा अब हम पी टू पे आते हैं, ये पी वन बन गया। अच्छा अब पी टू की वैल्यू क्या है, पी टू पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है पी टू का, तो वो हम देखते हैं। पी टू के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, तो ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ के ऊपर, -1, 0, तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, ठीक। ये पॉइंट बन गया पी टू, ये है पी टू। अच्छा अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं, दूसरी इक्वेशन पे, उससे हम एक्स जो पॉइंट्स दो बनाएंगे, ठीक है, उसको आपस में जॉइन करेंगे। पहले तो इन दोनों को आपस में जॉइन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या लाइन बन रही है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करते हैं और इनको एक्सटेंड कर देते हैं आगे, तो लाइन बनती है तकरीबन, अगर इसको स्ट्रेट लगाया जाए तो ठीक रिजल्ट आपके पास आएंगे। ये बन गई लाइन वन, सही, इसको मैं लाइन वन कह देता हूँ, एल वन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एल वन, ये है एल वन। अच्छा अब लाइन टू पे आते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर टू रिप्रेजेंट कर रही है उसको। लाइन टू के लिए फ्रॉम टू, इक्वेशन नंबर टू क्या है हमारे पास, सेकंड लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है 3x-4y + 7 = 0, ठीक है। अब इसमें हम एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे और फिर y को पुट करेंगे, दो पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो जिस तरह के हमने पहले इक्वेशन को किया था, at x is equal to 0, 3 × 0 - 4y + 7 = 0 बन गया, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 बन जाएगा, -4y 7 उस साइड पर जाएगा तो -7, ठीक है, और y is equal to बन जाएगा -7/-4, मतलब कि y की वैल्यू आ गई 7/4। तो ये पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 0 हमने पुट की और y की वैल्यू 7/4 आ गया, तो हमारे उस पॉइंट जो बनता है वो है 0, 7/4, सही, x की वैल्यू ये 0 और जिस उससे जो हमारे पास y की वैल्यू है 7/4, वो मैंने y की जगह रख दिया, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। इसी तरह से अब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, @y = 0, तो इसी इक्वेशन में y को हम 0 पुट करते हैं, 3x - 4y, y 0 हो जाएगा, ठीक, और साथ में +7 = 0, ठीक है। वही इक्वेशन जो हमने ऊपर यूज़ की थी, उसमें y की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास x क्या आता है, −7, x = -7/3, x की वैल्यू -7/3 आ गई जब हमने y 0 पुट किया, तो मतलब कि हमारे उस पॉइंट जो बना वो बना है -7/3, 0, सही। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, इसको अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, इसको P3 का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, और इसको P4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये P3 को पहले ड्रॉ करते हैं, 0, 7/4 होता है 1.75 के बराबर, ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, 0, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 1.75, तकरीबन 2 से थोड़ा पहले यहाँ पर आगे बनेगा, ठीक, ये 1.75, ये P3 है, और जो हमारे पास P4 है, P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -7/3, 0, -7/3 जो तकरीबन बनता है -2.3, ठीक है, -2.3 या 2.34 इस तरह से बनता है, तो -2.34 यहाँ पर आएगा,
2.5 से पहले पहले, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास, अब इन दोनों, ये P3 था सही और ये P4 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास जो लाइन बनती है, इन दोनों पॉइंट्स को P3 और P4 को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, ठीक है, जो कि इसमें भी पैरेलल नज़र आ रही है और हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने लाइंस ड्रॉ की, स्केच की, ठीक है, इक्वेशंस हमें गिवन थी उसमें से हमने पॉइंट्स फाइंड किए और हमने इसको स्केच कर दिया दोनों लाइंस को। इसको मैं L2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ब्लू लाइन जो है वो L2 को रिप्रेजेंट कर रही है और जो येलो लाइन है वो L1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दोनों लाइंस के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें, अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस देखा जाए, पहले तो हम ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना बनता है, वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बनता है सही, ये ओरिजिन से लाइन 1 तक का डिस्टेंस है। और अगर हम ओरिजिन से लाइन 2 का डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस बनता है, ठीक। अगर हम ये डिस्टेंसेस निकाल लें, ठीक, मतलब कि ओरिजिन से दोनों लाइंस का डिस्टेंस निकाल लें तो फिर क्या बनेगा इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। ये ग्रीन जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये डिस्टेंस बन रहा है L2 से ओरिजिन तक का, ठीक है। इस डिस्टेंस में से अगर लाइन 1 का डिस्टेंस निकाल दें ओरिजिन से तो फिर हमारे पास ये डिस्टेंस बाकी बच जाता है दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस, सही है। मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस, हाँ भाई, ये बच जाता है हमारे पास, किस तरह आएगा, इस डिस्टेंस का OL1 इसको कह देते हैं, OL2 बल्कि, OL2 मतलब कि लाइन 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, उसमें से माइनस कर दें क्या लाइन 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस OL1 माइनस कर दें तो हमारे पास बन जाता है ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइंस, सही है। इससे हम फाइंड करेंगे, पहले इसके लिए हमें पहले डिस्टेंसेस चाहिए होंगे ओरिजिन से इन लाइंस के, तो वो कैसे आएंगे। अगर अगर आपको याद हो हमने इस के क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ा था, 21 में हमने एक फॉर्म पढ़ी थी इक्वेशन की जिसका नाम था नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, सही है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब इसमें जो ये पी होता था, ये पी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उस लाइन का ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में अगर उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें तो जो पी की जगह जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उस लाइन का। तो हम दोनों लाइंस का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को। तो पहली इक्वेशन को हम पहले कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास पहली इक्वेशन, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी हमने क्वेश्चन नंबर 21 में देखा था, ठीक है, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, बस इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3x-4y इज इक्वल टू -3, सही। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, एक्स के कॉफिशियंट का स्क्वेयर मतलब कि 3 का स्क्वेयर प्लस वाई के कॉफिशियंट का स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर और उसका अंडर रूट और साथ में -sin। इससे हमने डिवाइड करना है दोनों साइड्स पे, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस, और ये वैल्यू क्या बनती है, 9+16 मतलब के √25 -√25 = -5,
इससे हमें डिवाइड करना है, तो ये हम डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, 3 बाय -5 मतलब कि -3/5x -4/5, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये नीचे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -3/-5 जो कि 3/5 बन जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये बन गया हमारे पास वो नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इस नॉर्मल फॉर्म से अगर आप देखें तो ये बनता है कॉस अल्फ़ा, ये बनता है साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये वाई के साथ है, और ये बनता है पी। ये पी हमें चाहिए था जो कि डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये है पी इज इक्वल टू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये हमें चाहिए था इस इक्वेशन से। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, उससे भी हम यही फाइंड करेंगे, ठीक है। उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से भी हम पी फाइंड कर लेंगे, सही। दूसरी इक्वेशन जो है पी एक्स माइनस 4y+7 इज इक्वल टू 0, अब इसको भी उस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 3x-4y इज इक्वल टू -7, और इसको डिवाइड करेंगे 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर अंडर रूट और साथ में माइनस, जो कि वही बनता है -5, डिवाइडिंग बाय -5, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5, ठीक है। इस इक्वेशन को -5 से डिवाइड करेंगे तो -3/5x+4/5y इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉस अल्फ़ा है, ये साइन अल्फ़ा है, ठीक है, ये पी है, तो यही पी हमें चाहिए था, ये पी है, ठीक है, इज इक्वल टू पी, तो ये पी हमें चाहिए था। अब हम पी फाइंड कर चुके हैं दोनों लाइंस के, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पैरेलल लाइंस क्या आ रहा था, P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P1 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन वन फ्रॉम ओरिजिन, और P2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन टू फ्रॉम ओरिजिन। जो ऊपर हमने देखा था OL2 जो है वो P2 है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है लाइन टू का ओरिजिन से, और OL1 जो है वो लाइन वन का डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो ये क्या है P1। तो P1 और P2 की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो P2-P1 जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, P2-P1 जो कि हमने फिगर से देखा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इस क्वेश्चन में जो है, इस पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस किसके बराबर है, P2-P1, मतलब के P2 क्या है हमारे पास 7/5 है, 7/5 माइनस, और P1 क्या है 3/5 जो हमने कैलकुलेट किया 3/5। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो एलसीएम लेके 7-3 और ये बन जाएगा 4/5। 4/5 जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमने निकाल लिया। ये हमने फिगर को देखकर निकाला, क्योंकि अगर देखें फिगर में क्या है, दोनों लाइंस जो हैं एक साइड में, ओरिजिन के एक साइड पे लाई कर रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंडीशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स बनेगी, मुख्तलिफ तरीके से हम उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मतलब अगर एक लाइन यहाँ पर लाई कर रही हो और दूसरी लाइन यहाँ पर ओरिजिन के साइड पर लाई कर रही हो, तो फिर क्या हम करेंगे, उन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, सही। मतलब कि ये एक एक्स वाई एक्सिस है, तो एक लाइन अगर हमें ये गिवन है और दूसरी लाइन हमें ये गिवन है, ये L1 और ये L2, अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो डिस्टेंस क्या बनता है, ये डिस्टेंस बनता है, ठीक है। वो डिस्टेंस कैसे आएगा, इस लाइन इस डिस्टेंस का, ठीक है, मतलब कि OL1, ये OL1 है ना, क्योंकि ओरिजिन से लाइन वन का डिस्टेंस है ये, और ये OL2 है ओरिजिन से लाइन टू का डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बनेगा,
ठीक है, हर एक कंडीशन जो है गिवन है हमें, हर एक इक्वेशन जो हमें गिवन है, पहले हम उसको स्केच करके देखेंगे कि वो लाए कहाँ पर करती हैं, उसके बाद हम उसको फिगर को देखकर हम देखेंगे कि इसका दरमियान का डिस्टेंस क्या बनता है। अच्छा, एक और जो है हमें इसमें कहा गया है फाइंड करने को, कि हमने तो एक तो डिस्टेंस निकाल दिया दोनों लाइंस के दरमियान का, अब उसने एक और चीज़ हमें कही है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरल लाइन लाइंग मिड वे बिटवीन दैम। ठीक है, मतलब कि उसके दरमियान में, इन दोनों लाइंस के दरमियान में बिल्कुल मिड में एक और लाइन जो है वो यहाँ पर, ये बिल्कुल मिड में एक और लाइन है, ठीक है, पैरल लाइन है बिल्कुल इसके, ठीक है, इन दोनों लाइंस के पैरल भी है और मिड में लाई करती है, तो इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन कैसे आएगी हमारे पास? पहले तो हम इसको देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना बनता है, ठीक है, डिस्टेंस देखें तो बिल्कुल मिड है ये, ठीक है, अगर L2 जो ओरिजिन का डिस्टेंस है, सही, इसमें से हम अगर ये निकाल दें, ये डिस्टेंस कितना है, ये इन दोनों का डिस्टेंस, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जो पहले L1 और L2 का जो हमने पहले डिस्टेंस निकाला, ठीक है, उसका ये डिस्टेंस हाफ बनता है, यहाँ से L2 से इस लाइन तक का, ठीक है, हाफ बनता है। तो अगर हम L2 के डिस्टेंस में से, मतलब कि P2 में से, अगर हम हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाल दें, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ थर्ड लाइन, जो कि इनके मिड में लाई जा रही है, ठीक है, मतलब कि P2 में से हम क्या माइनस करें, माइनस हाफ ऑफ इसका डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस जो था उसको D कह देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से। तो हम ऐसे करते हैं, P2 माइनस हाफ ऑफ D, सही है, तो D क्या चीज़ है, ये हमारे पास D है, इज इक्वल टू D, तो 4/5 है, ठीक है, तो मतलब के P2 माइनस 1/2 इंटू 4/5, तो ये क्या बन जाएगा, 2/5। P2 की वैल्यू हमारे पास जो हमने कैलकुलेट की थी, P2 की वैल्यू 7/5 थी, 7/5 माइनस 1/2 इंटू 4/5 इज 2/5, तो ये बन जाएगा 5 7 -2 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ये क्या चीज़ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड लाइन, जो कि हमें कहा हुआ है कि मिड, बिल्कुल मिड में लाइक कर रही है, ठीक है, उन दोनों लाइंस के, थर्ड लाइन L3 फ्रॉम ओरिजिन, सही, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ग्राफ में अगर देखें तो ये डिस्टेंस जो बन रहा है, ये मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस बन रहा है ओरिजिन से ग्रीन वाली लाइन का डिस्टेंस, वो बन रहा है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू 1 है। तो अब हम वो डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया, अब हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, और हम जो है हमने असल में फाइंड करनी है उसकी इक्वेशन उस लाइन की, ठीक है, क्योंकि वो लाइन जो है वो पैरेलल है बाकी दोनों लाइंस के, तो उसका मतलब ये है कि एक्स और वाई के जो है कॉस अल्फा और साइन अल्फा बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, तो जो पहले इक्वेशन में आया था और सेकंड इक्वेशन में आया था वो दोनों भी सेम थे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, जो कि थे -3/5x +4/5y, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंसेज, यहाँ पर पी की वैल्यूज डिफरेंट थी, बाकी ये दोनों चीज़ें सेम थी, तो ये जो डिस्टेंस है हर एक लाइन का डिफरेंट होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो हमने इस लाइन का ये जो हमें रिक्वायर्ड है, जो बिल्कुल मिड में लाई कर रही है उन दोनों लाइंस के दरमियान में जो है लाई कर रही है, उसका डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, जो कि 1 है, पी की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज़ पी, इसको P3 कह देते हैं, ठीक है,
तो ये इक्वेशन बन गई उस लाइन की जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। थर्ड लाइन, लाइन इन द मिड, ठीक है, एंड मिड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और साथ में वो भी पैरेलल लाइन है इन दोनों पैरेलल लाइंस के। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट बी है, सी है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम पार्ट हैं। बस उसमें डिफरेंस क्या होगा, जो मैंने पहले बताया कि हम स्केच करके देखेंगे कि दोनों लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस बनता किस तरह है, ठीक है, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, या वो हमें फिगर देखकर, स्केच देख ही समझ आएगी। तो वो पार्ट्स आप खुद करेंगे, और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है।